वेंकटेश्वर साहब बोला नहीं, थोड़ा नहीं, नहीं थोड़ा फ्लोरिंग वो से कुछ भी नहीं बोले। अरे नॉमिनेशन पे बोलो, जस चीज को बोलो, मैं मिला के बोलता हूँ। दो चार लाख रुपए का ये वो तो करो, रिफ्लेक्शन नमाज पढ़ डेमेज हो गया। एक बार हम विजिट करके आओ ना, वो विजिट करके आओ, मुझे मालूम ना था। चार दिन पहले भी बोला मैं, अब बोला इसी में बना के ले लेंगे, थोड़ा बुरबुल तो नहीं है। मोमिन भाई, मोमिन भाई जरा सा इन लोग थोड़ा सा हम लोग आंदोलन सब आगे तो दूसरे इसलिए रोक के रखे वो के पूरे कच्चे हो जाएंगे बोल के जो है सीलिंग बने से वो माटो सीलिंग अपने खाली मेंबर को उतई छो यहाँ तक कराए तो कम से कराए तो कम से नहीं यहाँ पे तो अपन ऊपर आ गए तो उसका करा रहे सीलिंग बना दे डाल रहे हो। आज सुबह 9 बजे से शहर के जो खास खास ईदगाह हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली आके नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि गुलकंडा किले में है और दूसरे ईदगाह है, टोटल 3-4 ईदगाह हैं। हम साथ में हमारे MLA साहब खोसर मोहिद्दीन साहब, हम पूरे मिलकर खासकर हमारा स्टाफ वक्फ बोर्ड का मिलकर पूरे जायजा लिए हैं और अब यहाँ ईदगाह मीर आलम को आए हैं जिसकी नमाज कल ईद की नमाज जो 9:30 बजे यहाँ रखी गई है। मैं जितने मुसल्ली या ईद की नमाज को यहीं बोलकर नहीं कहीं भी ईदगाह को जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाते वक्त साथ में जानिमाज अपना साथ में लेकर जाइए, क्योंकि और 2 दिन बारिश के इम्कान है और 100% बारिश होने की वजह से भी आप लोगों को तकलीफ होंगी, खासकर क्योंकि एरिया में जानिमाज आप देख सकते हैं, क्योंकि ईदगाह का माहौल ऐसा रहता है एकदम खुला सहन रहता है, उसको तकरीबन जगह अपन शेड से कवर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितने लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे हैं वो लोग साथ में अपने जानिमाज लेकर जाइए और ख़ासकर मैं जितने भी ईदगाहों के मुकामी कारपोरेटर्स है MIM के और सब TRS पार्टी के, उन लोगों से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी साथ रहकर स्टाफ के काम ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड का भी जो सो पूरा महकमा हमारा साथ रहकर, अब जितने लोगों को हम ये टेंडर दिए हैं वो लोग पूरा रहकर अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी अगर ऐसी परेशानी या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम आते सो नेक्स्ट जितने भी के नमाज के लिए कोई दुश्वारी नहीं हो, हम काम करेंगे। मैं खासकर